और मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच पुलिस की टीम ने डकैत गुड्डा गुर्जर से मुठभेड़ हुई है और इस दौरान गुड्डा गुर्जर के पैर में गोली लगी है। ग्वालियर के भबर थाना क्षेत्र के बसौटा के जंगल में ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने यह शॉर्ट एनकाउंटर किया है। बता दें कि 60,000 के इनामी गुड्डा गुर्जर पर 3 हत्या सहित 30 से अधिक केस दर्ज हैं। बता दें कि एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गुड्डा गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। डकैत गुड्डा गुर्जर के ऊपर 28 से अधिक अपराध पंजीबद्ध है, जिनमें 3 हत्याएं, 5 हत्या के प्रयास, अपहरण और अपहरण के प्रयास, फिरौती के साथ कई अन्य अपराध भी शामिल हैं। उनके साथियों को दबोचने के लिए जंगल में सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें कि 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना और शिवपुर जिले में आए दिन वारदातों को अंजाम दे रहे 60,000 के इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर को लेकर बीसी में नाराजगी जाहिर की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दस्यु मुक्त हो चुकी चंबल घाटी में डकैत गिरोहों की गतिविधियां पूरी तरीके से प्रदेश की छवि को बदनाम कर रही है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर मुरैना के दौरे पर आ रहे हैं, उससे पहले पुलिस ने ये अहम और सफलता हासिल की है। गुड्डा गुर्जर होने की खबर मिलने पर पुलिस द्वारा वहां दबिश दिया गया और दबिश के दौरान एक गुड्डा गुर्जर के साथ मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में गुड्डा गुर्जर को गोली लगी और उसको अभी अस्पताल लाया गया है। इससे एक 315 बोर का राइफल भी बरामद की गई पुलिस द्वारा और इसका 2-3 साथी द्वारा भागने में सफल हुए हैं। इसके ऊपर 3 मर्डर, 5 307 के अलावा 28-30 गंभीर अपराध इसके ऊपर है। अभी तक ये सर्चिंग ऑपरेशन लगातार पिछले 7 दिनों से चल रहा था। पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन आज मिलने पर फोर्स के द्वारा, टीमों के द्वारा वहाँ स्ट्राइक किया गया और ये जो एरिया था भवरपुरा के डाड़िया खरक का जो बासोटा जंगल है वहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ। वहाँ सर्चिंग ऑलरेडी सुबह से चली रही थी क्योंकि हमें पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन थी। 3 दिन से लगातार हमारी टीमें वहाँ पर लगातार सर्च कर रही थी, इनपुट मिल रहे थे, लेकिन आज स्ट्रॉन्ग इनपुट था और देर शाम को रात को ये एनकाउंटर की स्थिति बन गई और एनकाउंटर हुआ। उन्होंने जवाबी फायर किए जिसके जवाबी फायर में हमारे द्वारा फिर उनके ऊपर फायर किया गया और उसमें डकैत जो सरगना है गुड्डा गुर्जर वो घायल हो गया। उसको फिर तत्काल उसको हॉस्पिटल रेफर किया गया और उसको हिरासत में ले लिया गया।